नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लाई हूँ अपनी चना दाल की पराठा की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे किसी भी चटनी सब्जी जिसके साथ भी खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 150 ग्राम चना दाल लिया है, जिसे कि आधा घंटा पहले भिगो लिया है और साथ ही दो बार धोकर साफ कर लिया है। अब इसे उबालेंगे। उबालने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब हम लोग इसमें अपना चना दाल डाल देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी बस इतना ही रहना चाहिए। देखिए ये ठीक से डूबी भी नहीं है, बस इतना ही। अब इसमें ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आने तक इसे पका लेंगे, और जब तक प्रेशर हमारा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसे इसी तरह छोड़ देंगे। चना दाल हमारा जब तक पकता है तब तक इसका आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया हुआ है, कटोरी में 3 कटोरी। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप अगर नमक पसंद करते हैं तो डालें, वरना स्किप करें। अब इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। मेरा डो तैयार है, देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। बस इसी तरह सॉफ्ट आटा ही आप लगाएं। अब इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। कुकर का प्रेशर हमारा देखिए पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब चलिए इसे निकाल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए चना हमारे कितनी अच्छे से पक गई है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। इस तरह आप उंगली में दबाएं तो ये अगर दबती है अच्छे से तो इसका मतलब पक गई है। अब इसे एक छन्नी में छान लेंगे और इसका सारा पानी अच्छे से निकलने देंगे। आप पानी बिल्कुल भी इसमें ना रहने दें। हमारे दाल का सारा पानी निकल गया है, देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब इसे पीसेंगे। पीसने से पहले मैं इसमें क्या क्या मसाले लगेंगे आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ 3 इंच अदरक लिया है, जिसे कि काट लिया है ताकि ये मिक्सी जार में हमारे अच्छे से पीस पाए। 5 हरी मिर्च ली हैं, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हुई है और ये ढेर सारी हरी धनिया ली है। आप जितना यूज करना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। अब एक मिक्सी जार लेंगे और इन सारी चीज़ों को इसमें डाल देंगे। 1 कटोरी हरी धनिया भी डाल देंगे और पहले इसे थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, उसके बाद इसमें दाल डालेंगे। आप इसे 2 सेकंड के लिए चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर 2 सेकंड के लिए चलाएं और फिर बंद कर दें। ऐसे करके 2 राउंड इसे पहले घुमा लें। ये देखिए मैंने इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह आप इसे, और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप इसमें अपना चना दाल डाल देंगे और इसे भी 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। ऐसा करके इसे 4 राउंड घुमा लेंगे। मैंने इसे पीस लिया है, देखिए 5 से 6 राउंड चलाने पे अप डाउन करके ये हमारा इस तरह का दाल तैयार होगा। अब इसे एक बर्तन में पकड़ लेंगे। आप पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी ना करें। मैंने इसे एक बर्तन में पकड़ लिया है। अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। साथ ही इसमें ये मैंने एक टुकड़ा नींबू का जूस निकाला है, इसे डाल देंगे। आप खटाई में जो पसंद करते हैं उसे डाल सकते हैं। अगर खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार और इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। अब इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। आप छोटी या बड़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा हाथ में लेकर इस तरह पेड़ा बनाएंगे। देखिए इस तरह आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे सूखा आटा में इस तरह अच्छे से कोट कर लेंगे और इसकी एक कटोरी बनाएंगे। इस तरह आप अंगूठे की सहायता से दबाते हुए इसकी एक कटोरी बनाएं इस तरह, और उसमें अपना स्टफिंग भरेंगे। आप ज़्यादा ना भरें, 1 से 1.5 चम्मच ही भरें। इस तरह स्टफिंग भर लेंगे और इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। जो आलू का पराठा हमारा बनाते हैं ना, बस उसी टाइप का ही इसे बनाना है। देखिए आप इसे फिर से अच्छे से चिकना कर लेंगे और थोड़ा इस तरह दबाकर लोइयां तैयार करेंगे। मैंने कुछ लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। चलिए अब इसे बेलना बताती हूँ। इस तरह एक लोई लेंगे और इसे सूखा आटा से अच्छे से डुबा लेंगे और बेलेंगे। आप हल्के हल्के हाथों से बेलें, ज़्यादा जोर लगा के ना बेलें वरना स्टफिंग हमारी बाहर निकल आएगी। इस तरह, और इसे धीरे धीरे इस तरह बेलेंगे। जो आलू का पराठा बेलते हैं बस उसी तरह धीरे धीरे ही आप बेलें। आटा सॉफ्ट होने की वजह से अच्छे से ये बेलते बन जाती है और कहीं से फटती भी नहीं है। ये देखिए इसी तरह
इसे बेल लेंगे। देखिए मैंने बेल के तैयार कर ली है, ना ये ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली, बस इसी तरह सारे को बेल के तैयार कर लेंगे और कहीं से भी हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। अब इसे एक प्लेट में पकड़ लेंगे और इसी तरह सारी बेल के तैयार करेंगे। एक और आपको बेल के बता देती हूँ, सूखा आटा अच्छे से इसमें लगाएँ और थोड़ा चपटा कर लें और इस तरह हल्के हाथों से ही बेलें। मैंने रोटी को बेल ली है, चलिए अब इसे सेंकते हैं। मैंने गैस पे एक तवा गरम कर ली है, हाई फ्लेम पे। तवा हमारी अच्छे से गरम हो गई है, अब इसमें अपना बेला हुआ रोटी डालेंगे और इसे सिकने देंगे। देखिए ये फूलने लगी है, मतलब ये हमारे एक साइड से सिक गई है। अब इसे पलट लेंगे और इसमें तेल लगाएंगे। आप तेल घी जो भी पसंद करते हैं उसे इसमें इस्तेमाल करें। मैं यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक साइड तेल लगाने के बाद तुरंत ही इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड भी तेल अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए ये रोटी अपने आप ही फूलने लगती है, इसे बिल्कुल भी सेकने की आवश्यकता नहीं होती है। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से दबा दबा कर सेंक लें। हमारी एक रोटी तैयार है, अब इसे प्लेट में पकड़ लेंगे और इसी तरह बाकी की रोटियां भी सेंक लेंगे। देखिए अपने आप कैसे अच्छे से फूल रही है, इसी तरह हमारी रोटी अपने आप ही फूलने लगती है। इसे हल्का हल्का इस तरह दबाकर सभी तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लेंगे। मेरी चना दाल की पराठा बनके तैयार है। आप इसे गरम गरम खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक करें मेरे चैनल में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं मैंने अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।